फूड्स टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन टू यूट्रस. यूट्रस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है. इनफैक्ट वन ऑफ द हाईली वॉच्ड वीडियोज जो माधविजा पे है, इट्स एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव यूटेराइन ब्लड फ्लो. सो बेसिकली वॉट कैन बी दैट फूड जो यूट्रस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ लो यार, अंदर के किसी भी चीज़ के लिए फूड इज नथिंग बट योर ब्लड. यू कैन नॉट डायरेक्टली ईट समथिंग दैट विल गो एंड रीच यूट्रस. इसीलिए ऐसा क्या आप खाना खा सकते हो जिससे आपका यूटेराइन ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा. सो दिस वीडियो इज अबाउट दैट. सी टिल द एंड. इफ एनी वन ऑफ यू जिसको यूट्रस ब्लड सर्कुलेशन का इशू है, पीरियड्स रिलेटेड इशू, ओवेराइन सर्कुलेशन इशू, यूट्रस लाइनिंग इशू, प्रेगनेंसी में यूटेराइन ब्लड फ्लो इशू, प्लीज सी दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू एक्सप्लोर एन अनादर वीडियो. एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव ब्लड सर्क्यूलेशन टू यूट्रस, एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव यूटेराइन ब्लड फ्लो, एंड दैट एक्चुअली हेल्प यू ऑल आउट. नाउ अंडरस्टैंड विच आर द थिंग्स जो एक्चुअली ब्लड फ्लो को हैम्पर करता है, यूट्रस ब्लड फ्लो को. सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेस. सेकेंड थिंग इज लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप कोई भी टाइप के एक्सरसाइज नहीं करते हो. थर्ड थिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपका बहुत सारा काम बैठ के है. आप यहाँ से उठते हो कार में बैठते हो, कार से उठते हो ऑफिस में बैठते हो, ऑफिस से उठते हो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठते हो. सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल कैन बी वन थिंग जिससे यूट्रस के ब्लड सर्कुलेशन को हैम्पर हो जाता है. सो विच आर द फूड दैट विल एक्चुअली हेल्प. फर्स्ट थिंग, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड. जितना पानी पियोगे उतना ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन एक्चुअली इम्प्रूव. सेकेंड थिंग, बी रेगुलर ऑन एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन. देर आर नो शॉर्टकट टू फिटनेस. एंड थर्ड थिंग, टेक केयर ऑफ योर फूड. सो फर्स्ट फूड दैट विल एक्चुअली हेल्प इज विटामिन सी रिच फूड्स. सो ऑरेंजेस, प्लम, टू ड्रॉप्स ऑफ लाइम जूस इन योर फूड, कैरेट्स, टोमेटोज, दीज आर द थिंग्स विच आर एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ आयरन और हीमोग्लोबिन. सो वॉट एवर यू ईट विच आर आयरन रिच इन्ग्रीडियंट्स, इट नीड्स अ बैकअप ऑफ विटामिन सी वाले फ्रूट्स सो दैट उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो जाता है. सो यू मस्ट हैव इन योर डाइट एटलीस्ट वन और टू फ्रूट्स जो विटामिन सी रिच है. सो जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट गिविंग यू द लिस्ट, पेरू दैट इज गुआवा, ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, टू ड्रॉप्स ऑफ लाइम जूस और द टू ड्रॉप्स ऑफ फ्रेश लाइम इन द फूड दैट यू आर कंज्यूमिंग, कैरेट्स, टोमेटोज, दे आर वेरी गुड. सेकेंड थिंग, बेरीज. बेरीज आर सपोज टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सकता है. बेरीज में क्या क्या आ गया, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, बेरीज, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज. कॉमनली आपके आसपास जो भी बेरीज मिलती है, दे कैन बी वेरी वेरी गुड टू इम्प्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन. नेक्स्ट थिंग, इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, देन यस, एग, फिश लिवर ऑयल, फिश, रेड मीट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती है टू इम्प्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन. नेक्स्ट थिंग विच गोज इज फ्रेश होममेड कर्ड. व्हाई होममेड कर्ड? सो दैट प्रिजर्वेटिव्स आर नॉट देयर. सो फ्रेश होममेड कर्ड, बटर मिल्क, विनेगर, एप्पल सदार, दे कैन बी वेरी गुड एडिशन टू फॉर द यूट्रस. सो दैट एक्चुअली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर यूटराइन एंड ओवरीज ब्लड सर्कुलेशन and their overall health. Last but not the least, there are blood friend groups. So what are called as blood friend groups? वो सारी चीज़ें जो basically blood circulation तो improve करती है ही, but they are uterine friendly as well. So one is spinach, that's पालक. Then second thing that actually helps is dates, then carrots, then tomatoes. So these are basic food जो हमारा day to day life में आता है. In case anybody is staying in an area जहाँ पे आपको avocados बहुत easily मिलता है, avocados का omega 3 fatty acids भी बहुत अच्छे से help करता है. Apart from all of these things, कुछ चीज़ें जो fresh नहीं है जो आप store करके रख सकते हो, and that has got a positive effect on uterus and ovaries. उसमें आ गया nuts, nuts में आ गया walnuts, बादाम, they are very helpful. Then second thing आ गया seeds like pumpkin seeds, chia seeds, sunflower seeds, flax seeds, they are very helpful. Seeds ये ऐसा चीज़ है जो बहुत सारा heat create करता है, तो आपको बहुत quantity में नहीं खाना है. सारे seeds mix करके probably a small teaspoon can help, and that will help. Last but not the least,
जिंजर एंड गार्लिक. सो लहसुन और अदरक, ये दो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. फूड क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फूड के बारे में क्यों पूरा वीडियो किया? फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, अ बेटर ब्लड सर्कुलेशन विल मेक श्योर इट्स बेटर ऑक्सीजन. बेटर ऑक्सीजन एंड बेटर ब्लड सर्कुलेशन कोई भी बॉडी पार्ट के लिए तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज पे काम करता है. एंड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल इशू, पीसीओडी प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आप लोग आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से कर सको टू योर यूट्रस, नथिंग एल्स योर इंटरनल ऑर्गन्स वांट्स. बी स्ट्रेस फ्री, डू योर रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन, टेक केयर ऑफ योर फूड एंड टेक केयर ऑफ योर हाइड्रेशन. डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू सो मच एंड बाय.